अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बनाने लगे हैं अचारी आलू की भुजिया, जिसके लिए हमें चाहिए 8 अदद आलू यानी 8 पोटैटोस। इनको मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्मॉल चिप्स के फॉर्म में काट लिया है। आप चाहें तो क्यूब्स के फॉर्म में अपनी मनपसंद शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह से काट लिया। इसके लिए आप सेपरेट स्टेप में मैंने क्या किया है कि एक नॉन स्टिक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल में डाल रही हूँ। मैंने नॉन स्टिक रीज़न इज़ दैट कि इसका जब हम भूनते हैं पोटैटोस को तो इसका जो स्टार्च होता है वो नीचे लगता है, इसलिए मैंने नॉन स्टिक लिया, ईजी रहता है। तो देन उसके बाद ऑयल में हम डालेंगे 4 अनियंस रफली चॉप्ड, बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं है, ऐसे ही चॉप करके आप डाल दें छोटे छोटे। रफली चॉप मैंने इसलिए किए हैं ताकि वो जो लंबे लंबे हम काटते हैं वो ताकि मुंह में ना आए और अजीब से ना लगे। और देन 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा, ये बेसिकली हम तैयार कर रहे हैं तड़का, ठीक है। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, रीज़न इज़ दैट ताकि ये ज़्यादा कड़वा टाइप टेस्ट ना आए इसका, छोटे छोटे दानों का ना। ये हमने डाल दिया और तड़का तैयार करने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया अपने पोटैटोस। ये हमने चिप्स के फॉर्म में जो छोटे छोटे पोटैटोस काटे थे ये हमने इसमें डाल देने हैं, और ये तड़का टाइप बना के इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स। जब आपको फील होने लग जाए कि ये सॉगी हो रहा है, ठीक है, इसको जी अच्छी तरह से हमने चम्मच हिलाते जाना है और जी भूनते जाना है 5 से 10 मिनट तक, ताकि कुछ खुशबूदार बड़े मज़े का तड़के की जो इसमें खुशबू है वो आलू में रच फंस जाए। इसके भूनने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसे लगेगी। और बाद में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कलवंजी, ये हमने कलवंजी इसमें ऐड कर दी, और इसको देन अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। नॉन स्टिक की वजह से बहुत इजी हुआ मिक्स करना, बिकॉज इतना सभी कोई भी आलू नीचे नहीं लगा। और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, और इसमें देन जाएंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने इतनी डाली हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मिर्चें इज मच बेटर, ट्रस्ट मी। और 1 टीस्पून हल्दी, हल्दी इसमें, अब ये 3 नमक मिर्चें हमने इसमें डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्सअप कर लेना है सारे मिर्च मसालों को, ठीक है जी। ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून चटपटा चाट मसाला, ये मैं डाल लेती हूँ, रीज़न इज़ दैट बड़े मज़े का चटपटा सा टेस्ट आता है। और जी मेन इंग्रेडिएंट जाएगा अचार, उफ क्या कमाल की खुशबू आएगी आपके किचन से जब आप सब ऐड करेंगे। मुझे स्पेशली मिर्चें पसंद है, तो मैंने स्पेशल अचार में से मिर्चें निकाल के और अचार का मसाला इसके साथ डाला था। और 1 कप जाएगा टोमेटो पेस्ट, इसको बड़े मज़े का खट्टा सा फ्लेवर देगा, और अचार की तो क्या ही बात है, ये देखें जी। और इसमें जाएगा 1 कप ऑफ वाटर, मैंने 1 कप डाला, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको लगे कि आलू इसमें गल जाएंगे। और देन उसके बाद पानी डालने के बाद हमने इसको कर देना है जी अपनी, आई थिंक इस मीडियम टू लो आँच पे हमने इसको कवर कर देना है। मैंने लो और मीडियम के दरमियान की कोई आंच रखी थी 20 मिनट तक, इसको हमने अच्छे तरह से कवर रखना है। और जब हम ढक्कन उठाएंगे तो आहा, देखें ज़रा कितने मज़े की खुशबू आती है आपके इस आलू की भुजिया में से, और इतने मज़े के लुक के साथ ये तैयार होगा, ठीक है। इसको देन हम कर लेंगे डिश आउट, और इसके ऊपर डालेंगे हम सूखा मेथी, जो होती है सूखी हुई मेथी होती है ना, हमने इसके ऊपर वो डाल देनी है ताकि और खुशबूदार मज़े का टेस्ट आए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े की ये बनती है, सेम स्टेप्स फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।